हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स मॉर्निंग टाइम, उठ के शावर वगैरह ले लिया है, तैयार वैर हो गई हूँ, जनाब रेडी हो गए हैं एंड अभी जा रहे हैं। सो लेट उठी होती है, इन दिनों थोड़ा सा तबीयत वाला इशू चल रहा है, मैंने काफ़ी व्लॉग्स में बताया है। सो नहीं उठा जाता कई बार मुझे जल्दी, तो जी जहल कर लेते हैं। और अभी नीचे जाएंगे, लड्डू को स्नान करवाऊंगी और लड्डू को भोग लगाऊंगी। उसके बाद में मेरी कोई सब्सक्राइबर है बहुत पुरानी, मतलब जो मेरे कुछ जो स्टार्टिंग डेट से जो ऐड है ना, वो उनमें से हैं। सो वो अभी जयपुर आए हुए हैं, तो वो घर पे मिलने आएंगे, उनके कल जो कॉल आ रहे थे, तो उनसे मिलूंगी। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ ऐसा। और जूसा का पैर कैसा है मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे, पर्सनली कॉल भी आए थे उदयपुर से, परीका भी आया था। तो जूसा का पैर अभी बिल्कुल ठीक है। जनाब क्या अपडेट है आपके पैर की? चकाचक प्लास्टर खुल गया है और बस गर्म पट्टी बांधने के लिए बोलिए, तो वो जनाब बांधते नहीं है, वो सब चल रहा है बस। सो आज हमारे घर पे आए हैं पूजा, और ये है पूजा की फ्रेंड, नाम पूजा, दोनों पूजा हैं। पूजा जो है मेरी आई थिंक टिकटॉक से है ना फॉलो, हाँ, जब मैं टिकटॉक बनाती थी शादी से पहले, या फिर मतलब शादी के आसपास हुई होगी पूजा तो मेरे ऐड, तो उस टाइम से है। कुछ मेरे ऐसे फॉलोवर्स हैं जो मुझे इनिशियल स्टेज से फॉलो कर रहे हैं। सो पूजा भी उन्हीं में से एक है, और पूजा पाली से आई है, पाली से आई है, हाँ। पूजा के सिस्टर इन लॉ रहते हैं यहाँ पर, तो पूजा मुझसे मिलने आई है। और पूजा ने मेरी बहुत हेल्प करी है, जब टिकटॉक बंद हुआ था तो मुझे मेरे वीडियोस थे वो पूजा ही देती थी सेव कर करके, हाँ सारा नेट, ये मुझे बोलती थी जीजा मेरा आज का तो नेट ख़त्म हो गया, मैं कल कर दूँ आपको, ऐसे करती थी। तो अभी अभी पूजा की शादी हुई है, और पूजा को हम एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं अभी। और कैसी चल रही है मैरिज लाइफ? आगे पता चलेगा। ससुराल कैसा है? चलो बढ़िया है। सोचा था सपना दी जैसा मिलेगा, बट वो सासू वगैरह सब ऐसे ही है एकदम। अच्छा सब अच्छे हैं? हाँ वो वीडियोस में तो बहुत मैंने देखा। और ये पूजा लड्डू के लिए ड्रेस झूला वगैरह लेके आई थी। तो पूजा मुझसे मिलने आई थी, दो पूजा, पूजा स्क्वायर है ना, सभी पूजा जा रही है, उनको निकलना है क्योंकि पूजा जॉब करती है। बट बहुत अच्छा लगा पूजा मुझसे मिलने आई एंड लड्डू के लिए गिफ्ट लेके आई थी, जैसे बहुत अच्छा थी। पूजा आई थी और पूजा चली गई है, तो बहुत अच्छा लगा पूजा से मिलकर, फर्स्ट टाइम मिली हूँ। बातें वगैरह हमारी होती रहती थी फ़ोन पे, और अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर कुछ शॉपिंग की लिस्ट बनाने, जस्ट बिकॉज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी में मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, तो मैं उन सब की लिस्ट बना रही हूँ। सो ये सब काम कर रही हूँ, और अब बनाऊँगी एक दूसरे चैनल के लिए, अपना जो मेरा दूसरा चैनल है ग्लैम अप विद सपना, उसके लिए एक वीडियो, तो उसके भी इंग्रेडिएंट वगैरह लिखूंगी उसको। आप अभी बहुत प्यार दे रहे हो, जो मैंने मैस्टर कप वाला वीडियो डाला था, सो ऐसे ही उस वाले चैनल को भी सपोर्ट करते रहो आप लोग। गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, कल का मैंने आपको दिखाया था, फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था स्पेशल जो मैं शूट करूँ, और क्योंकि वही रैंडमली बस खाना वगैरह बनाया वो सभी था। और आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई हूँ, यूजुअली इतना जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। पापा के आज फ्रेंड्स आने वाले हैं, कुछ 15-16 फ्रेंड्स आ रहे हैं, सो वो घर पे आएंगे, दैट्स वाई नाश्ता वगैरह करना है, तो मैं जीजा की हेल्प करूँगी, इसलिए मैंने जस्ट उठी, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, जीजा किचन कर रही हैं, और फिर मैं आके अपना शावर वगैरह लेके अब लड्डू को स्नान कराऊँगी। 9 बजे तक के उनके आने का है, तो 9 बजे तक आने का है, 8 बज गए हैं, तो बस अभी मैं किचन में जाऊँगी। आज इस व्लॉग को हम कंटिन्यू कर लेंगे। थोड़ी मेरी जो शक्ल है वो ऐसे अजीब सी लग रही होगी, मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, मुझे एकदम तैयार व्यार होकर रहना नहीं पसंद है, एक जस्ट छोटी सी बिंदी लगाई और कंप्लीट काम, बस अपना मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेती हूँ मैं। और ये जन्माष्टमी के लिए मैं लड्डू के ड्रेस देख रही थी कि कौन सी क्या पहनानी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रेसें ऐसी हैं जो एक बार भी लड्डू को नहीं पहनाई गई है, नहीं है, और मैंने ये 3 ड्रेसें लड्डू के लिए निकाल ली थी जन्माष्टमी वाले दिन सुबह, रात को, और अगले दिन पहनाने के लिए एकदम नई ड्रेसें जो एक बार भी नहीं पहनाई गई हैं। और ये घर पे गेस्ट आ चुके थे, मतलब खुद ही बता रहे थे वो आरएसएस वाले हैं, तो हमने सोचा था, लेकिन वो आए थे 25 के तकरीबन, तो हम नाश्ता चाय वगैरह इन सब में लग गए थे।
वाली हूँ। आज हमने क्रॉकरी की शॉप ओपन करी है घर पे। अभी अभी हमारे घर पे गेस्ट आए थे, इतने गेस्ट, कानू का रोका था आज हमारे, इतने गेस्ट आए थे। कानू नहीं था घर पर, हमने फोटो दिखा दिए। ये देखिए आप, ये ट्रे, सारी ट्रे हैं। कुछ भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम लोग कुरियर करा देंगे। ना हमने लड़की देखी, ना हमने लड़की देखी, ना हमने लड़का देखा, हमने नाश्ते के ऊपर डिसाइड किया है। क्लिप्स दिखाई थी, उसके बाद में बस ऐसे ही डेली टाइम चलता गया। और उसके बाद में अभी हो चुकी है नाइट। आज मेरे पूरे दिन इस कान में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, तो मैं पूरे दिन सोई हूँ। और मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा वो मवाद वगैरह निकल रही थी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कल बहुत लिटरली पेन था तो मैं सो गई थी। और अभी हो रहा है रात का टाइम, मतलब किचन विचन का काम वाम किया, खाना वाना खा के हाथ ही नहीं चल रहे थे आज, ऐसे हो रहा था, बस काम हो ही नहीं रहा। तो मुझे 10:30 बज गए। और अब मुझे याद आया कि मुझे एक ब्रांड को फ़ोटो भेजनी है, तो मैंने जस्ट अभी फटाफट से वो फ़ोटो ली है, आपने देखा अभी क्लिप, वो सब ली है। और अब मैं बस चेंज करके अब मैं सोऊंगी। सो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बन ही नहीं रहा है अब आगे। सो अच्छा लगा, नहीं लगा हो तो भी प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।